श्री पंचमुख हनुमत्कवचम् अस्य श्री पंचमुख हनुमन्मन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छन्दः पंचमुख विराट हनुमान देवता ह्रीं बीजं श्रीं शक्तिः क्रौं कीलकं क्रूं कवचं क्रैं अस्त्राय फट इति दिग्बन्धः श्री गरुड उवाच अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि शृणु सर्वांगसुंदरी यत्कृतं देवदेवेन ध्यानं हनुमतः प्रियं पंचवक्त्रं महाभीमं त्रिपञ्चनयनैर्युतं बाहुभिर्दशभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिद्धिदं पूर्वं तु वानरं वक्त्रं कोटिसूर्यसमप्रभं दंष्ट्रा करालवदनं भ्रुकुटीकुटिलेक्षणम् अस्त्यैव दक्षिणं वक्त्रुं नारसिंहं महाद्भुतम् अत्युग्रतेजोवपुषं भीषणं भयनाशनं पश्चिमं गारुडं वक्त्रुं वक्रतुण्डं महाबलं सर्वनागप्रशमनं विषभूतादिकृन्तनम् उत्तरं सौकरं वक्त्रुं कृष्णं दीप्तं नभोपमं पातालसिंहवेताल ज्वररोगादिकृन्तनम् ऊध्वं हयाननं घोरं दानवान्तकरं परम् येन वक्त्रेण विप्रेन्द्रतारकाख्यं महासुरम् जघानशरणं तत्स्यात् सर्वशत्रुहरं परम् ध्यात्वा पंचमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिं खड्गं त्रिशूलं खड्वांगं पाशमंकुशपर्वतं मुष्टिं कौमोदकीं वृक्षं धारयन्तं कमण्डलुं भिन्दिपालं ज्ञानमुद्रा दशभिर्मुनिपुङ्गवम् एतान्यायुधजालानि धारयन्तं भजाम्यहम् प्रेतासनोपविष्टं तं सर्वाभरणभूषितं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवं हनुमद्विश्वतोमुखम् पञ्चास्यमच्युतमनेकविचित्रवर्णवक्त्रं शशाङ्कशिखरं कपिराजवर्यं पीताम्बरादिमुकुटैरुपशोभिताङ्गं पिङ्गाक्षमाद्यमनिशं मनसा स्मरामि मर्कटेशं महोत्साहं सर्वशत्रुहरं परम् शत्रुं संहार मां रक्ष श्रीमन्नापदमुद्धर हरिमर्कट मर्कट मंत्रमिदं परिलिख्यति लिख्यति वामतले यदि नश्यति नश्यति शत्रुकुलं यदि मुञ्चति मुञ्चति वामलता ॐ हरिमर्कटाय स्वाहा ॐ नमो भगवते पंचवदनाय पूर्वकपिमुखाय सकलशत्रुसंहारकाय स्वाहा ॐ
नमो भगवते पंचवदनाय दक्षिणमुखाय कराळवदनाय नरसिंहाय सकलभूतप्रमथनाय स्वाहा। ॐ नमो भगवते पंचवदनाय पश्चिममुखाय गरुडाननाय सकलविषहराय स्वाहा। ॐ नमो भगवते पंचवदनाय उत्तरमुखाय आदिवराहाय सकलसंपत्कराय स्वाहा। ॐ नमो भगवते पंचवदनाय ऊर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय सकल जन वशंकराय स्वाहा। ॐ अस्य श्री पंचमुख हनुमन्मंत्रस्य श्री रामचंद्र ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः पंचमुख वीर हनुमान देवता हनुमान इति बीजं वायुपुत्र इति शक्तिः अञ्जनीसुता इति कीलकम् श्रीरामदूत हनुमत्प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः इति ऋष्यादिकं विन्यसेत् अथ करण्यासः। ॐ अञ्जनीसुताय अङ्गुष्ठाभ्यां नमः। ॐ रुद्रमूर्तये तज्जनेभ्यां नमः। ॐ वायुपुत्राय मध्यमाभ्यां नमः। ॐ अग्निगर्भाय अनामिकाभ्यां नमः। ॐ रामदूताय कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ॐ पंचमुख हनुमते करतल करपृष्ठाभ्यां नमः। अथ अंगन्यासः। ॐ अञ्जनीसुताय हृदयाय नमः। ॐ रुद्रमूर्तये शिरसे स्वाहा। ॐ वायुपुत्राय शिखायैव षट्। ॐ अग्निगर्भाय कवचाय हुम्। ॐ रामदूताय नेत्रत्रयाय वौषट्। ॐ पंचमुख हनुमते अस्त्राय फट्। पंचमुख हनुमते स्वाहा इति दिग्बन्धः। अथ ध्यानम्। वंदे वानर नारसिंह खगराट्क्रोडाश्ववक्त्रान्वितं दिव्यालंकरणं त्रिपञ्चनयनं देदीप्यमानं रुचा हस्ताब्जैरसिखेटपुस्तकसुधा कुम्भाङ्कुशाद्रिं हलम् खट्वांगं फणिभूरुहं दशभुजं सर्वारिवीरापहं। अथ मंत्रः। ॐ श्रीरामदूताय आंजनेयाय वायुपुत्राय महाबलपराक्रमाय सीता दुःख निवारणाय लंका दहन कारणाय महाबल प्रचंडाय फाल्गुन सखाय कोलाहल सकल ब्रह्मांड विश्वरूपाय
सप्तसमुद्र निर्लंघनाय पिंगल नयनाय अमित विक्रमाय सूर्यबिंब फल सेवनाय दुष्ट निवारणाय दृष्टि निरालंकृताय संजीविनी संजीवितांगद लक्ष्मण महाकपि सैन्य प्राणदाय दशकंठ विध्वंसनाय रामेष्टाय महाफाल्गुन सखाय सीता सहित राम वरप्रदाय षट् प्रयोगागम पंचमुख वीर हनुमन मंत्र जपे विनियोगः ओम हरि मर्कट मर्कटाय बम 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 बौषट् स्वाहा ओम हरि मर्कट मर्कटाय फम 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 फट् स्वाहा ओम हरि मर्कट मर्कटाय खेम 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 मरणाय स्वाहा ओम हरि मर्कट मर्कटाय लुम 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 आकर्षित सकल संपत्कराय स्वाहा ओम हरि मर्कट मर्कटाय धम 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 शत्रुस्तंभनाय स्वाहा ओम तं 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 कूर्ममूर्तये पंचमुख वीर हनुमते परयंत्र परतंत्रोच्चाटनाय स्वाहा ओम कं खं गं घं मिन्यं चं चं जं झं मिनिं तं थं दं धं मणं तं थं दं धं नं फं फं बं भं मं यं रं लं वं शं शं सं हं अलं शं स्वाहा इति दिग्बन्धः ॐ पूर्वकपिमुखाय पंचमुख हनुमते टं 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 सकल शत्रु संहरणाय स्वाहा ॐ दक्षिणमुखाय पंचमुख हनुमते कराळवदनाय नरसिंहाय ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रः सकल भूत प्रेत दमनाय स्वाहा ओम पश्चिम मुखाय गरुडाननाय पंचमुख हनुमते मम 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 सकल विषहराय स्वाहा ओम उत्तर मुखाय आदिवराहाय लम 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 नृसिंहाय नीलकंठमूर्तये पंचमुख हनुमते स्वाहा ओम ऊर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय रुम 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 रुद्रमूर्तये सकल प्रयोजन निर्वाहकाय स्वाहा ॐ अञ्जनीसुताय वायुपुत्राय महाबलाय सीताशोकनिवारणाय श्रीरामचन्द्रकृपापादुकाय महावीर्यप्रमथनाय ब्रह्माण्डनाथाय कामदाय पंचमुख वीर हनुमते स्वाहा भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस शाकिनी डाकिन्यंतरिक्ष ग्रह परयंत्र परतंत्रोच्चटनाय स्वाहा
सकल प्रयोजन निर्वाहकाय पंचमुख वीर हनुमते श्रीरामचंद्र वर प्रसादाय जम 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 स्वाहा। इदं कवचं पठित्वा तु महाकवचं पठेन्नरः एकवारं जपेत् स्तोत्रं सर्वत्रु निवारणं द्विवारं तु पठेन्नित्यं पुत्रपौत्र प्रवर्धनं त्रिवारं च पठेन्नित्यं सर्वसंपत्करं शुभम् चतुर्वारं पठेन्नित्यं सर्वरोगनिवारणं पञ्चवारं पठेन्नित्यं सर्वलोकावशंकरं षड्वारं च पठेन्नित्यं सर्वदेववशंकरं सप्तवारं पठेन्नित्यं सर्वसौभाग्यदायकम् अष्टवारं पठेन्नित्य मिष्टकामार्थ सिद्धिदं नववारं पठेन्नित्यं राजभोगमवाप्नुयात् दशवारं पठेन्नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनं रुद्रावृत्तिं पठेन्नित्यं सर्वसिद्धिर्भवेद्ध्रुवम् निर्बलो रोगयुक्तश्च महाव्याध्यादिपीडितः कवचस्मरणेनैव महाबलमवाप्नुयात्। इति सुदर्शनसंहितायां श्रीरामचन्द्रसीताप्रोक्तम् श्री पंचमुख हनुमत् कवचम्। ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.